नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं आस्था हाजिर हूं दिनभर की बड़ी खबरों को लेकर। तो बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी के हरदोई पुलिस लाइन में तैनात हेड कांस्टेबल समीरजीत सिंह ने पुलिस विभाग ही नहीं पूरे देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने फिलीपींस में आयोजित 22वीं एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स गेम्स में 110 मीटर हाई हेडल में 36 देशों में से दूसरा स्थान प्राप्त किया है और सिल्वर मेडल हासिल किया है। पहले स्थान पर जापान के यामादा ने गोल्ड मेडल हासिल किया, वहीं तीसरे स्थान पर श्रीलंका रही। बता दें कि समरजीत सिंह, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के रहने वाले हैं, वह बताते हैं कि स्पोर्ट्स हॉस्टल मेरठ में रहकर उन्होंने 3 साल बताए। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हायर एजुकेशन में बदलाव किए हैं। अब 4 साल की स्नातक डिग्री लेने वाले छात्रों को 1 साल की PG डिग्री हासिल करने की अनुमति दी जा सकेगी। इसके लिए उन्हें कोर्स मोड और सब्जेक्ट चुनने का विकल्प मिलेगा। दरअसल UGC ने PG पाठ्यक्रमों के लिए एक मसौदा पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसे जल्द ही सार्वजनिक किया जा सकता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई सिफारिशों के मुताबिक शोध के साथ ऑनर्स, ऑनर्स के साथ 4 साल का स्नातक कार्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों के लिए 1 साल का मास्टर डिग्री कार्यक्रम हो सकता है। सूर्य की उपासना का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में श्रद्धालु अपने सूप और दौरा को आकर्षक बनाने के लिए हर जतन करने में जुट गए हैं। बाजार में उपलब्ध सोने और चांदी के सूप और दौरा पीतल के साथ ही व्रतियों की पहली पसंद बने हुए हैं। छठ पर 2000 किलो चांदी के सूप और दौरा की खरीद हो चुकी है। सोने के भी करीब 25 करोड़ रुपए के सूप की बिक्री हुई है। इसके साथ ही काशी में तैयार पीतल के सूप से पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड में छठ पूजा की जाती है। इस समय बाजारों में पीतल के बर्तनों की मांग बढ़ गई है। ऐसे में चांदी के सूप की कीमत 25,000 से 1.5 लाख रुपए तक और दौरा 4 लाख रुपए तक में उपलब्ध है। इस बार उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर में पहली बार वायुसेना एयर शो और स्ट्रेटेजिक डिस्प्ले का आयोजन करने जा रहा है। यहाँ सुखोई 30 लड़ाकू विमान आकाश में उड़ान भरेंगे और करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। आकाशगंगा और सारंग एरोबैटिक्स की टीमें तिरंगे के साथ स्काई डाइविंग समेत अन्य करतबों का प्रदर्शन करते नजर आएंगी। AN-32 विमान विक्ट्री परफॉर्मेंस दिखाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि ये आयोजन 24 नवंबर को भारतीय वायुसेना की एक BRD बेस रिपेयर डिपो की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर किया जाएगा। यूपी बोर्ड में परीक्षा के दौरान फर्जी परीक्षार्थी पर लगाम लगाने के लिए बोर्ड की तरफ से नई योजना अपनाए जाने की तैयारी है। परीक्षा केंद्रों पर फेस रीडिंग की व्यवस्था करने की तैयारी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। फर्जी परीक्षार्थियों पर अंकुश लगाने के लिए बोर्ड प्रत्येक केंद्र पर फेस रीडर लगाने की योजना पर विचार कर रहा है। वहीं बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला का कहना है कि इस बार 2024 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए 55 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है। फिलहाल परीक्षा केंद्रों पर इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की फेस रीडिंग कराना मुश्किल है, लेकिन भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है। विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ साथ उनका गांव सहसपुर अलीनगर भी इन दिनों काफी चर्चा में है। जहां देश भर में उनकी प्रशंसा हो रही है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उन्हें तोहफा देने का मन बना चुके हैं। प्रशासन ने उनके गांव में मिनी स्टेडियम बनवाने की घोषणा कर दी है। हाल ही में CDO अश्विनी कुमार मिश्र और अन्य अधिकारियों ने जोया विकासखंड स्थित शमी के गाँव का भ्रमण किया, स्टेडियम के लिए जमीन की तलाश की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शमी का परिवार गाँव में ही रहता है, शमी का भी यहाँ आना जाना लगा रहता है। शमी के विश्व कप में चमकने के बाद ग्रामीण ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों में भी खुशी छाई हुई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने फैकल्टी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 27 नवंबर 2023 से शुरू होगी। पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2023 तक है। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बता दें कि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 84 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 29 पद, प्रोफेसर के 13 पद और निदेशक के 2 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर गोरखपुर विकास प्राधिकरण राप्ती नदी किनारे रिवर फ्रंट विकसित किए जाने की तैयारी कर रहा है। राजघाट से हर्बर्ट बांध की ओर नदी किनारे सुंदरीकरण किए जाने को लेकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने कवायद शुरू कर दी है। इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि रामगढ़ ताल झील को आज पर्यटकों की पहली पसंद माना जा रहा है। ऐसे में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राप्ती नदी किनारे कोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर रिवर फ्रंट विकसित किए जाने की तैयारी चल रही है। जल्दी गोरखपुर आने वाले पर्यटकों को एक और पिकनिक स्पॉट मिल सकेगा। संघ लोक सेवा आयोग ने UPSC IFS मेंस परीक्षा 2023 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इन्हें UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in और upsconline.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। UPSC IFS मेंस परीक्षा 2023 एडमिट कार्ड लिंक को 17 नवंबर 2023 को यानी आज एक्टिव कर रहा है।
परीक्षाओं की बात करें तो यूपीएससी आईएफएस मेंस परीक्षा 26 नवंबर 2023 से 3 दिसंबर 2023 के बीच होगी। सरकारी नौकरी के लिए होने वाली ये परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी एडमिट कार्ड पर अपनी एग्जाम शिफ्ट चेक कर सकते हैं। आईएफएस मेंस परीक्षा 2023 की पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। उत्तर प्रदेश में रोजाना हो रहे सड़क हादसों को कम करने और उन्हें रोकने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार यात्रा करने वालों की सुरक्षा को देखते हुए बसों में जल्द ही एंटी स्लीप डिवाइस लगाने जा रहा है। प्रायोगिक तौर पर अभी ये 10 बसों में लगाया जा रहा है। इस डिवाइस को लगाने में लगभग 14,000 रुपए प्रति यूनिट खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में एंटी स्लीप डिवाइस लगाए जाने के लिए एजेंसी का चयन भी हो चुका है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।